फिर से क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी, किस तरीके से देखेंगे? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनकी भावनाओं के अनुरूप शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट देकर ये जिम्मेदारी दी है चुनाव लड़ने की, और निश्चित रूप से उनकी भावनाओं पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और मुरैना विधानसभा नहीं, संपूर्ण जिले में हम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व छह की छह सीटें जीतेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी को, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी को, वीडी शर्मा जी, और पूरे शीर्ष नेतृत्व को जिनके नेतृत्व तो हम लोग काम करते हैं, उनको सबको बधाई देता चाहता हूँ। जो मुरैना जिले के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की उम्मीद है, मैं उम्मीद पूरी उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। लेकिन अभी उपचुनाव हुए थे, उसमें आप नहीं निकाल पाए थे। निश्चित रूप से कहीं कमी रह जाती है, लेकिन उन कमियों को हमने पूरा किया है। हमारी सरकार की जो विकास यात्रा है वो तो आपने देखी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार मुरैना जिले में विकास में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जो हमने कहा है वो किया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम मुरैना जिले में सभी की सभी सीटें जीतेंगे। लेकिन लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। मुझे तो नहीं लगता है कि नाराजगी है। अब पता नहीं मीडिया के माध्यम से क्या आ रही है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है।